एक बेटी के लिए सबसे बड़ा सपना होता है माता पिता उसके साथ उसके हाथ पीले करके उसे ससुराल भेजें, लेकिन जिन बच्चों को ये अनमोल प्यार नसीब नहीं होता उनके लिए ऐसे फरिश्ते आते हैं जो सगे माँ बाप से ज़्यादा होते हैं और उनके हर सपने को साकार कर देते हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। जिंदगी की पहली टीचर माँ, जिंदगी की पहली दोस्त माँ, जिंदगी भी माँ, जिंदगी देने वाली भी माँ। माँ जो जिंदगी देती है और जो जिंदगी को सवार देती है वो माँ से भी बढ़कर हो जाती है। सीकर के कस्तूरबा सेवा संस्थान की अध्यक्ष सुमित्रा देवी एक ऐसी ममतामयी माँ है जो 1990 से अब तक ऐसे ही अनाथ बच्चों का सहारा बनी हुई है। यही नहीं, ये माँ अपने यहाँ रहने वाली अनाथ बालिकाओं की शादी भी खुद करवाती है और कन्यादान भी खुद ही करती है। सुमित्रा देवी अब तक 7 लड़कियों की माँ बनकर उनकी शादी करवा चुकी हैं और आगे भी वो संस्थान की लड़कियों का कन्यादान करना चाहती हैं। सीकर के कस्तूरबा सेवा संस्थान में उन बच्चों को सहारा मिलता है जिनको दुनिया में किसी का भी सहारा नहीं मिलता। संस्था में 6 लड़कियों की शादी हो चुकी और अब इस बेटी की कर रही हूँ मैं, पर ये बेटी बिल्कुल अनाथ है, पर मैं अब अनाथ नहीं कह सकती इसको क्योंकि इसकी माँ मैं हूँ और हमेशा रहूँगी। इस समय इस संस्थान में शादी की तैयारियाँ चल रही हैं। संस्थान की निशा को तो ये भी नहीं पता कि उसके असली माँ बाप कौन है, लेकिन शादी की उम्र हो जाने के बाद संस्था की माँ सुमित्रा ने उसके लिए अच्छे लड़के की खोज की और अब 18 मई को निशा की शादी संस्थान में ही हो रही है। इसकी जहाँ शादी कर रहे हैं वो परिवार ब्राह्मण परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है और बच्ची का जीवन बन जाएगा और जब तक मैं रहूंगी तब तक बुलाऊंगी। आज मदर्स डे पर जहाँ सारा विश्व माँ की ममता को सलाम कर रहा है, वहीं सीकर की इस माँ को हजारों सलाम है जो अनाथ बच्चों का सहारा बनकर उन्हें अपनी छत्र छाया में रखकर पाल रही हैं और उन्हें पढ़ा लिखा कर समाज में अच्छा नागरिक बनने में सहयोग कर रही हैं। सीकर से न्यूज 18 के लिए अशोक शर्मा की रिपोर्ट।